अगली खबर में बात करते हैं बहराइच की, जहां नेपाल सहित मैदानी इलाकों में लगातार 72 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने घाघरा, शारदा व राप्ती नदियों का जल स्तर बढ़ा दिया है, जिसके चलते भारत नेपाल सीमा पर स्थित सीमावर्ती जिलों में बहराइच एवं श्रावस्ती में बाढ़ आ गई है। बहराइच में घाघरा नदी कई स्थानों पर खतरे को पार कर गई है। गोपिया बैराज पर घाघरा खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। खतरा बढ़ता देख बैराज पर खतरे का सायरन भी बज रहा है। एक तरफ भारी बारिश की वजह से लोगों का आवागमन तो बाधित हुआ है, दूसरी तरफ मोतीपुर एवं नानपारा तहसीलों के तमाम गांवों में पानी भरने से लोगों में दहशत एवं घबराहट उत्पन्न होने लगी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब लोगों के सामने खाने पीने का संकट एवं मवेशियों के चारे की समस्या पैदा हो गई है। वहीं जिला प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था की दुहाई देते हुए बाढ़ के हर खतरे से निपटने की बात कर रहा है। ये नजारा बहराइच जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके के मोतीपुर तहसील का है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। किसानों के खेत पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। सड़क हो, घर हो, बाग बगीचे हो, कब्रिस्तान हो या फिर स्कूल, हर ओर तेजी से घाघरा नदी का पानी तबाही मचाए हुए है। जिस तेजी से घाघरा का जल स्तर बढ़ रहा है, उसको देखकर हर किसी को आने वाले भयानक संकट का आभास हो चला है। सड़कों पर पानी चलने से सड़कें कई फुट कट गई हैं। अगर इंद्रदेव इसी तरह कहर बरसाते रहे तो कुछ घंटों में इन इलाकों में तबाही मचनी तय मानी जा रही है। हालांकि इस पर प्रशासनिक अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपके इधर बाढ़ की क्या स्थिति है? अरे बाढ़ सर बहुत है। कौन कौन से गांव? अरे जैसे पड़रिया, नौकापुरवा, सर्रा, मटेही, पुरैना, जितना इधर बाढ़ क्षेत्र, सिंगवा, खड़ैचा, जहां तक मतलब बाढ़ है तहां तक बहुत प्रॉब्लम है सर। तो आने जाने के कैसे आप लोग आते जाते? आने जाने का रास्ता बंद है सर। तो प्रशासन की कोई सहायता? कोई सहायता नहीं है सर। कोई नावों की व्यवस्था? कोई नहीं है। आपके यहाँ बाढ़ की क्या हालात हैं? बाढ़ तो बहुत है पानी। लगभग कितने गांव? बराज के खाले जितने गांव हैं सभी में पानी भर गया है। इसमें लगभग कितने गांव? कम से कम 25-30 गांव। अच्छा, अभी तक शासन की ओर से कोई मदद? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न कोई प्रशासन के आदमी यहाँ दिखाई पड़ा है।